हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, आशीष ने व्लॉग बनाना बिल्कुल छोड़ दिया है, बनाते ही नहीं है। हर बारी मुझे बनाना पता है ना, वो स्टार्ट करते हैं ना एंड करते हैं और ना वीडियो के बीच में दिखते हैं। तो अभी मैंने उनको नीचे जाके बोला अब वीडियो आप बनाओगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है, मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने घर उत्तराखंड। मैंने पहले से आप लोगों को अपडेट नहीं दिया, आप लोग एकदम से सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि एकदम से कैसे, कब से हमारा प्लान बन रहा था जाने का, पर आशीष को छुट्टी वगैरह की प्रॉब्लम थी तो उस समय हम बीच में नहीं जा पाए। तो अभी हम लोग अब जा रहे हैं, और जो लोग उत्तराखंड के लवर हैं और पहाड़ वगैरह जिनको बहुत पसंद है, उनके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। और हमारे लिए तो खैर खुशी का टाइम है ही, क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं। आनवी अपनी पहली बार दादी के पास जाएगी, गांव जाएगी उत्तराखंड। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। आनवी को भी मैं अभी तैयार कर दूँगी, और वो अभी सो रखी है, वैसे उसको तैयार करूँगी। मैं तैयार हो चुकी हूँ, आशीष भी तैयार हो चुके हैं, बस हम लोग निकल ही रहे हैं। सामान वगैरह सब कुछ पैक हो गया है। नीचे ना लाइट चली गई थी अचानक से, इसलिए मैं छत में आके शूट कर रही हूँ वीडियो। जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, उन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ में देखी होगी, तो उस समय भी हम उत्तराखंड गए थे, हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई थी। तो इस समय मैं बहुत लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, अभी कन्फर्म नहीं है कितने टाइम के लिए कैसे रहूँगी, बट हमें ना काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 1.5 साल हो गया हम लोग घर नहीं गए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आनवी कंसीव कर ली थी घर से आने के बाद, उसके बाद फिर आनवी हुई, और आनवी हुई सर्दियों के टाइम पे अक्टूबर में। तो उस समय मेरी सास और यहाँ आए थे, आप लोगों ने देखा भी था। तो उस समय फिर हम वैसे ही नहीं जा पाए क्योंकि हमारे गांव में ना बहुत ठंड होती है, तो आनवी भी बहुत छोटी थी, तो हमने सोचा बाद में ही जाएंगे, तो उस समय भी हम लोग नहीं गए थे। तो अभी आनवी 7 मंथ की होने वाली है 13 को, तो अभी सही टाइम, और थोड़ी गर्मी वगैरह भी पड़ती है यहाँ, तो इसलिए अब हम लोग अपने घर की साइड जाएंगे। तो आशीष हमें छोड़ने आएंगे और कुछ टाइम रह के वो वापस आ जाएंगे, हमें भी घर रहेंगे। तो बाकी जो कुछ भी होगा आपको अपडेट मिलती रहेगी, व्लॉग में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बस रास्ते का आपको दिखाती हूँ। मैं ना टी शर्ट लोअर ही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि रास्ते में बच्चे को ना जब ट्रैवल करो फिट करवाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ बेबी है इसलिए कंफर्टेबल होती है टी शर्ट, तो मैं ऋषिकेश जाके कुछ डालूंगी, बट यहाँ से मैं ना नॉर्मली टी शर्ट वगैरह में जा रही हूँ। और अभी आनवी को करती हूँ तैयार और राशि से भी आपको मिलवाती हूँ। इस घर को बाय बाय करते हैं, पता नहीं कब तक मिलूँगी। और आपसे मेरी ये शिकायत है, मैंने वीडियो में सबको बोला है कि आप जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, ना वीडियो स्टार्ट करते हो, ना एंड करते हो, और ना वीडियो के बीच में आते हो। क्यों, वीडियो बनाने क्यों छोड़ दिया? पहले यही बनाते थे गाइस, जब तक मेरे को नहीं आता था एडिटिंग यही करते थे। अब मैंने एडिटिंग भी सीख ली है, बट ये व्लॉग ही नहीं बनाते। अब बनाओगे या मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूँ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब वीडियो, माई चैनल, कि आप हो इस वीडियो में? चलो भाई इनको भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये भी टी शर्ट और शॉर्ट्स में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बस निकलने ही वाले हैं 10-15 मिनट में। तो गाइस हम लोग ना देखो अपने घर की साइड पहुंचने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा ही रह गया है, गाड़ी में बैठ गए थे ऋषिकेश। जब हम पहुंचे तब ना मेरे को बिल्कुल भी शूट करने का टाइम नहीं लगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग एक दिन ऋषिकेश ही रुके थे आशीष की दीदी के पास, और दूसरे दिन हम घर गए थे। तो ये जो क्लिप है, ये है हमारे घर पहुँचने के टाइम की, जहाँ पर हम अपने उत्तराखंड पहुँच चुके थे और अपने घर पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ से देखो पहाड़ों का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिनको पहाड़ पसंद है, मेरे को काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि आप उत्तराखंड से हो, अपनी वो भेजा करो पहाड़ों की वीडियोस। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग मेरे व्लॉग के थ्रू उनको देख सको। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ है, और बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा था यहाँ पर मेरे को बहुत, काफ़ी टाइम बाद आए तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आनवी देखो गाड़ी में बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी, आराम से बैठी थी, क्योंकि गाड़ी ना उछलती है तो बच्चे को मज़ा आता है और सो जाता है बच्चा, तो इसलिए ये बहुत इन्जॉय कर रही थी गाड़ी में, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। और यहाँ पे हम लोग ना पहुँच गए थे, और एक बैग आशीष पे और एक बैग मेरे ससुर जी है ना जो पापा जी, वो भी हमारे साथ ही जा रहे थे, तो वो भी हमारे साथ ही आए ऋषिकेश से, और अभी आगे वो जा रहे हैं। और जो हमारा सामान था बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए सामान ना पीछे आ रहा था घोड़े पर। और आगे देखो मेरी सास भी आ चुकी थी, और आनवी को अब उन्होंने पकड़ लिया, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ।
और यहाँ पे क्या होता है पहाड़ों में ना जो सामान होता है, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता होता है, आपको घर ना चढ़ाई पे जानी पड़ती है, तो देखो पीछे सामान आ रहा है। तो क्या होता है ना कि आप सामान लेके जाओ तो सकते हो, बट ना बहुत भारी लगता है, बहुत दिक्कत होती है। तो बहुत सामान ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि हम ना घोड़ा करते हैं, क्योंकि गाँव में सामान जो होते हैं इधर उधर पहुँचाने होते हैं तो घोड़े पर ही आते हैं, घोड़े पर लाद के उनको लाया जाता है। तो अभी पीछे हमारे घोड़ा आ रहा था और आगे हम लोग थे, थोड़ा बहुत जितना भी सामान था हल्का फुल्का वो हम खुद लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो आशीष हैं, और आशीष ने अपने शॉर्ट्स में ही आ गए, क्योंकि इनको इनको लगा कि कंफर्टेबल भी होगा। और आन भी अपनी दादी की गोदी में थी, शांत थी, वैसे किसके पास नहीं जाती है, मेरे को छोड़ के रोने लग जाती है, तो यहाँ पे हंस रही थी क्योंकि आशीष को हंसा रहे थे। और अभी हम लोग हैं आधे रास्ते में, और देखो गाँव के रास्ते में ना ऐसा जंगल होता है, पूरा पहाड़ों का व्यू, इधर भी पहाड़ आगे भी पहाड़, मतलब चारों तरफ एकदम खुला खुला ताज़ी हवा। और गांव का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश एकदम ताज़ी ताज़ी हवा, बहुत सब कुछ इतना अच्छा अच्छा लग रहा था ना आके। और ये देखो नीचे ये नदी जाती है, यहाँ पे ये है पहाड़, और ये है हमारा रास्ता, कहीं पे सीधा होता है और कहीं पे चढ़ाई होती है रास्ते में, तो यहाँ पे तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत सीधा ही था। और अभी यहाँ आगे से देखो चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, और जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो लोग काफ़ी टाइम बाद घर आते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जैसे मैं हूँ, मैं अभी काफ़ी टाइम तक अगर घर में रहूँगी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट बाद में ना बहुत दिक्कत होती है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं, और मेरे को गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप से आए थे, आनवी भी लेट गई थी, थक गई थी बेचारी, तो यहाँ पे देखो रोने लग गई क्योंकि इसको भूख भी लगी थी। फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करके इसको दूध वगैरह पिलाया थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने आराम किया। और आज हमारे गाँव में ना शादी भी है, मतलब हल्दी है, और कल थी शादी, जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हल्दी थी। तो यहाँ पे अनु के पापा अनु को खिला रहे हैं ताकि वो चुप हो जाए, और उसको लेके जा रहे हैं जहाँ हमारी गाय वगैरह है। और यहाँ पे देखो गाय वगैरह है, अभी आप लोग देखो आगे। गाय के पास चलते हैं, गाय के पास देखो, गाय के पास गाय के पास देखो, गाय के आलू का हाथ खा रहा है। आनू मार दे, झापड़ बजा दे एक बार इसको, बजा दे, बजा दे, बजा दे, देख। और देखो ये अपने बछड़े के लिए परेशान हो रहा है, इसको लग रहा है हम इसको कूट रहे हैं। सही बात है, हैं? सही बात है, कूट रहे हैं क्या तेरे को? आनू एक बार झापड़ बजा दे इस पे, आजा। चलो बकरी के पास चलेंगे, चलो चलो चलो। चलो बकरी के पास चले गए, आनू बकरी के पास लो, ले ले। अरे कहीं तो डर है, ले आनू बाजी के पास, अरे बाजी के पास ले, अच्छा पकड़ दे इसको, पकड़ दे इसको, पकड़ दे, पकड़ दे, पकड़ दे, आ जाओ आ जाओ, पकड़ दे पकड़ दे, पकड़ दे पकड़ दे। हाँ देखो मम्मी झाड़ू लगा रही है शायद, देखो 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 यहाँ अंदर, अंदर किचन में क्या कर रही है मम्मी? एक ही दिन में मम्मी की हालत क्या होगी है देखो गाइस। आनु यहाँ पे अपने गुड्डे के साथ खेलेगा, लो आनु गुड़िया के साथ खेलो, ले लो लो लो, खेलो खेलो खेलो। आनु को गांव में अच्छा नहीं लगा? आनु को गांव में अच्छा नहीं लगा? आनु काव काव काव, ये ये ले चल जा पकड़ने, रुक जा। अच्छा मम्मी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा ना आनु को पकड़ने के लिए।
तो गाइस रात हो चुकी है और हम लोग सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों में भाई लेट चुके हैं और आनवी भी लेट गई है। अभी शांत है थोड़ी सी, मेरे साथ लेटी और सारे दिन की सोई पड़ी है ये, अब पता नहीं सोएगी कि नहीं सोएगी। और शादी अभी तक चल रही है, अभी मेहंदी थी रात को तो खाना हम खा के आ गए थे, डांस वगैरह हो रहा है वहाँ, डीजे वगैरह चल रहे हैं, फिर हमें ना काफ़ी थकान लग रही थी इसलिए हम वहाँ नहीं गए, हमने सोचा सो जाते हैं क्योंकि आनवी भी छोटी है, फिर अगर मैं जाऊँगी तो ये परेशान करेगी घर में और इसको मैं लेके जा नहीं सकती वहाँ, इसलिए तो अभी हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। और आशीष यहाँ देखो बेड पे लेट चुके हैं और फ़ोन चला रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल आशीष बारात में जाएंगे, वहाँ का व्लॉग देखते हैं बना के लाएंगे कि नहीं लाएंगे, क्योंकि मैं तो घर में रहूँगी जाऊँगी नहीं, तो अगर ये बनाएंगे तो कल का वीडियो आप भी देखना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गुड नाइट। और आनवी को देखो पलट रही, आनवी बाय बाय कर दो, बाय कर दो आशीष, व्लॉग बाय बाय करो। बाय गाइस, मिलता है नए व्लॉग में बहुत ही जल्द।